गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन सभी को गुड इवनिंग पुष्पेंद्र शगुफ्ता मोहमिता पिंकी ऑडियो वीडियो सभी तक आ रही है क्लियर जूही गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट -पुट बताइए ऑडियो वीडियो ठीक है पहले म्यूट ही रह गया था तो आज हमारी यूनिट थ्री ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान इसकी अंतिम क्लास है चार पांच मिनट का इंतज़ार करते हैं उसके बाद हम आज की चर्चा को शुरू करेंगे ठीक है तो तीन यूनिट हमने बड़ी जल्दी ख़त्म कर ली है और बहुत बेहतर तरीके से कवर किए हैं इनके पी भी आपको दे दिए हैं टेन ईयर के जो पी वाई हैं यूनिट वाइज वाले उनको आप सॉल्व करते रहिए लगातार जिसको भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए ठीक है तो आज ये पूरी यूनिट ख़त्म होने वाली है उससे पहले मुझे बताइए कि आपने कुछ नया सीखा जल्दी से बताइए क्या आपने कुछ नया सीखा इस पूरी यूनिट में पहले पढ़ी थी ओशनोग्राफी अगर पढ़ी थी तो जरूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा और आप तो बोल रहे हैं कि बहुत सारा कुछ नया है सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है सभी कुछ नया गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक है ये देखिए आज हम कोरल रीफ पढ़ने वाले हैं प्रवाल भित्ति ये कोरल रीफ है जो रंग बिरंगे आपको जीव दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं कोरल कोरल शब्द है फिर इसमें एक रीफ शब्द भी जुड़ा है तो कोरल क्या होता है रीफ क्या होता है इसी चीज़ को आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन सभी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं यहाँ से देखिए बहुत डायनेमिक क्वेश्चन होते हैं यानी कि डायरेक्ट सवाल भी आते हैं और मेज द फॉलोविंग का सवाल भी आ जाएगा असन रीजन का सवाल भी यहाँ से आता है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बहुत सेंसिटिव ये जीव होता है टॉपिक भी सेंसिटिव है हर तरीके से सवाल पूछा जाएगा ठीक है तो उन सभी को हम अभी क्लास के दौरान सीखते चलेंगे कि क्या होता है ये कोरल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो दो शब्द हैं कोरल और रीफ इनमें से जो कोरल है जिसे हम पालिप भी कह सकते हैं ठीक है थेके? पालिप पालिप तो जीव है ये ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म रीफ ऑर्गेनिज्म नहीं होता है रीफ इसी के द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर होता है हार्ड स्ट्रक्चर उसे रीफ बोलते हैं भित्ती जैसे मान लीजिए कि एक जीव है ये सपोज कीजिए कि ऐसा इस तरीके का जीव है जहां पर इसका मुंह होता है अपने मुंह से ये चूना कैल्शियम कार्बोनेट निकालता रहता है और इस जीव को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कोरल या पालिप कोरल भी बोल सकते हैं पालिप भी बोल सकते हैं हिंदी में इसे मूंगा भी बोलते हैं ये भी याद रखना ठीक है कोरल पालिप या और ये अपने मुंह से चूना या कैल्शियम कार्बोनेट निकालता रहता है तो इसके चारों तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का जिसे बोलते हैं रीफ या भित्ती ठीक है तो ये कोरल में और रीफ में अंतर है तो यही चीज आज हम देख रहे हैं कोरल रीफ कोरल रीफ एटोल्स ये एक सिग्निफिकेंट सबमरीन फीचर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट समुद्र के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कारण यह है कि जो यहाँ का इकोसिस्टम है इसको बैलेंस इकोसिस्टम के ओशनिक इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ठीक है ये कैसे करके बनते हैं तो रीफ के बनने का रीज़न ये होता है कि हर एक कोरल अपने मुंह से चूना निकालते रहता है और वो धीरे धीरे करके कॉम्पैक्ट होते रहते हैं एक एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते रहता है बनते रहता है और कई सारे रीफ एक साथ रहते हैं तो उसको कॉलोनी बोलते हैं तो ये कॉलोनीज में एक साथ रहते हैं जो कि लाइम स्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट को अपने मुंह से निकालते रहते हैं मुख्य रूप से अगर हम बोलें तो ये ट्रॉपिकल ओशन में मिलते हैं अभी मैंने कहा था आपसे कि कोरल रीफ या फिर जो प्रवाल भित्ती है इसको हिंदी में प्रवाल या मूंगा कह देते हैं ये बहुत सेंसिटिव होता है इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती है ये उन्हीं कंडीशन में मिलेगा अगर जरा सा भी कंडीशन ऊपर या नीचे होगी तो ये खत्म होने लगते हैं ठीक है तो ट्रॉपिकल ओशन इनके लिए मोस्ट आइडियल कंडीशंस होती हैं जहां पर ये 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में ये एक रेंज है कि यहाँ तक मिलते हैं एवरेज ये बात याद रखना है। कई सारे कोरल या पालिप इनको हम अंग्रेजी में पालिप या कोरल बोल सकते हैं ये एक साथ रहते हैं ग्रुप में रहते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे एक फॉर्म ऑफ कॉलोनी होता है ठीक है जिनके चारों तरफ ये कैल्केरियस सेल्स होते हैं कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल बना होता है उसमें ये रहते हैं कोरल रीफ फॉर्म होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वन शेल अपॉन अनदर शेल एक शेल के ऊपर दूसरा शेल दूसरे के ऊपर तीसरा तीसरे इस तरीके से ये बना करके रहते हैं पूरा अपना कॉलोनी जिसे हम कोरल रीफ बोलते हैं ये देखिए एक के ऊपर दूसरा कोरल है इस तरीके से पूरा एक रीफ बन गया है ठीक है इस तरीके से ये रहते हैं सिंस कोरल पालिप कैन नॉट सर्वाइव अबव वाटर लेवल अगर देखिए इनके बहुत सेंसिटिव होते हैं तो अगर इनके लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता है टेम्परेचर भी इनको उतना ही आवश्यक है सेलिनिटी डेप्थ ओशन वाटर की डेप्थ तो ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जनरली ये किसी आइलैंड से किसी सबमरीन प्लेटफॉर्म से अटैच्ड होते हैं समुद्र में जो आइलैंड होगा या फिर कोई लैंड एरिया होगा उससे ही अटैच होते हैं कोरल रीफ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई डाइवर्सिटी इनमें ज़्यादा होती है मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितनी डाइवर्सिटी है उससे भी ज्यादा डाइवर्सिटी या विविधता कोरल रीफ में होती है अभी तक इनके देखिए दस लाख स्पीशीज हैं इनकी कितनी स्पीशीज हैं दस लाख स्पीशीज जिसमें से केवल दस परसेंट का ही स्टडी अभी किया गया है इसीलिए कोरल रीफ को इतनी ज्यादा विविधता होने के कारण से इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं एग्जाम में पूछा गया, गया क्वेश्चन है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन किसको कहा जाता है कोरल रीफ को कहा जाता है ठीक है ये बात आप इसमें याद रखना ये कोरल है ये मैंने पिक्चर लगा दी है ताकि आप देखो समझो कि क्या है कोरल। अब coral, मतलब जैसे कुछ कंपोनेंट्स कुछ होंगे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पहला है कोरल या पालिप कोरल या पालिप वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया जीवित जीव है इसमें जीव वो कोरल या पालिप होता है रीफ नहीं होती है कोरल या पालिप को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं दूसरा होता है कोरलाइट ये इसका दूसरा कंपोनेंट है कोरलाइट होता है ये एक्सटर्नल स्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन तो अंदर है ना किसी की हड्डियां आपने बाहर देखी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा होगा सबकी हड्डियां जो स्केलेटन है उनका अंदर होता है तो ये कोरलाइट या कोरल या पालिप का स्केलेटन बाहर होता है एक्सटर्नल स्केलेटन होता है इसका जिसे आप हाउस ऑफ कोरल भी कह सकते हैं या पालिप का घर भी कह सकते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कोरल का घर किसे कहते हैं कोरलाइट को बोलते हैं फिर एक तीसरी चीज़ आती है रीफ या इसको हिंदी में भित्ती कहते हैं तो जो हार्डन स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपने मुंह से कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है चारों तरफ इसके इकट्ठा हो जाता है तो इसी हार्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीफ ठीक है और मुख्य रूप से ये कोरल रीफ कहाँ पर आपको मिलेंगे तो ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन है या समुद्र हैं इनमें मिलेंगे मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ कंट्रीब्यूट किया जाता है वो एलेगी एलेगी के द्वारा ये मतलब 50 परसेंट एलेगी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है एक एलेगी का नाम आपको भी याद रखना है आगे बताऊंगा मोर देन 50 परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट इस एलेगी के द्वारा कंट्रीब्यूट इसमें किया जाता है और अपना साठ का भोजन भी ये दूसरे एलेगी से प्राप्त करता है उसको भी अभी देखेंगे ठीक है अब पहली चीज़ देखो कोरल या को, जो कोरल एनिमल है या पालिप है इसके बारे में हम देखते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मरीन एनिमल है जिली उसकी कैटेगरी में आता है विच <coughs> विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग कोरल रीफ ये रिस्पॉन्सिबल हैं कोरल रीफ के बिल्डिंग के लिए इनको हम पालिप बोलते हैं और सिंपली हम इनको कोरल भी कह सकते हैं कोरल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रह सकते हैं यानी कि वो एक ग्रुप में भी रह सकते हैं एक बड़ी कॉलोनी बना करके और वो इंडिविजुअल भी रह सकते हैं वो कैसे भी रह सकते हैं अलग अलग प्रकार की होती है ना क्योंकि एक फॉर्म नहीं है अलग अलग प्रकार के हैं तो जनरली तो ज़्यादातर जो मिलते हैं वो ग्रुप में ही रहते हैं ठीक है लेकिन ये इंडिविजुअल भी रह सकते हैं अगर ये इंडिविजुअल नहीं ग्रुप में है तो उसको रीफ बोलेंगे इंडिविजुअल रीफ नहीं बना पाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए ठीक है ये कोरल है और इसकी जैसे ये ये निकले हुए ना ये इनको टेंटिकल्स बोलते हैं ठीक है जैसे चूसक है खून चूसक इन्हीं के थ्रू ये अपना क्या है भोजन प्राप्त करते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर यह टेंटिकल्स ठीक है और इनमें इन, इन टेंटिकल्स में एक एलेगी होती है जिसको बोलते हैं जुकसान जुखसा, थलाई उसी एलिगी से ये सिक्सटी परसेंट उस एलेगी को इसमें अपना रेसिडेंट हैबिटेट मिलता है और ये उस एलेगी से अपना सिक्सटी परसेंट भोजन या फूड की रिक्वायरमेंट को प्राप्त करता है ठीक है कोरल आर लाइम स्केटरिंग सी ऑर्गेनिज्म ठीक है मतलब चारों तरफ इसके जो लाइम स्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसके इसके चारों तरफ रहता है ये आप ध्यान रखना आउटर लेयर जो होती है इसकी कोरल एनिमल की और ये आपका यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है मतलब एक फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है ये अभी पीछे नाम भी बताया मैंने एलेगी का जुकसान थलाई एलेगी ये क्या है एक यूनील्युलर फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो इसके ऊपर रहता है तो कोरल का मोर देन सिक्सटी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास जो सिक्सटी uh, परसेंट के आसपास जो भोजन है वो इसी एलेगी से मिलता है कोरल को इसको कोरल से क्या मिल जाता है कोरल में इसको अपना हैबिटेट मिल जाता है और कोरल इससे अपना भोजन भी प्राप्त कर सकता है तो दोनों का आपस में एक म्यूचुअल रिलेशन रहता है ठीक है अभी जो जुमसा थलाई एलेगी है विच कम्प्राइज मोर देन सेवनटी फाइव परसेंट ऑफ टिश्यूज वेट ऑफ द कोरल एनिमल ठीक है इसके वेट में भी ये हेल्प कर रहा है देखो दीज ये जो प्लांट है ये प्लांट प्रोवाइड करते हैं कोरल को न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व हैं ये कोरल एनिमल को न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और साथ ही इट आल्सो असिस्ट देम इन स्केटरिंग कार्बोनेट ठीक है कार्बोनेट को कैसे करके स्प्रेड करना है इस तरीके से भी हेल्प करते हैं तो इस रिलेशन को कि जुकसान थलाई एस को कुछ दे रही है कोरल इसको एक हैबिटाट प्रोवाइड करा रहा है इस रिलेशन को बोलते हैंटिक रिलेशनशिप दोनों एक दूसरे पर निर्भर है या फिर इसे म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं बिटवीन कोरल एंड फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक थलाई एलेगी जो एक साथ रहते हैं ठीक है अब ये जुकसा थलाई एलेगी इसके टेंटिकल्स में होते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए थे टेंटिकल्स या फिर इसका आप माउथ कह सकते हैं पालिप का ठीक है आगे भी बना होगा ये देखिए दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से ये एलेगी है लिखा हुआ भी है यहाँ पर ये जुकसा थलाई एलेगी है इसी से साठ परसेंट भोजन ये प्राप्त करेगा और बाकी फिर ये खुद से बना लेगा अपने टेंटिकल से जो इसके माउथ निकले हुए हैं ठीक है अब देखिए ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है तो यहाँ से सिक्सटी परसेंट इस एलेगी से और अपने जो टेंटिकल्स हैं उससे फोर्टी परसेंट भोजन प्राप्त कर देता है अगर सोचिए किसी कारणवश ये एलेगी खत्म हो गई ये एलेगी खत्म हो गई तो फिर तो इसका भी विनाश तय है कारण क्या है अपनी फूड रिक्वायरमेंट का आधे से भी ज़्यादा सिक्सटी परसेंट भोजन तो इन्हें इसी से मिल रहा है इस एल से और ये एल ही खत्म हो गई तो फिर ये जो आपका कोरल है वो तो ख़त्म होना जरूरी है मतलब वो तो निश्चित है है ना और साथ ही ये कप शेप में होता है आप देखिए यहाँ पर आपको कप शेप में इनका दिखाई देगा कि हाँ ये कप शेप में होते हैं पीछे भी आपको दिखाए थे दिख रहे हैं ये ठीक है तो ये है कोरल ठीक है अब कोरल के बाद होता है कोरलाइट जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया कोरलाइट इसका एक्सटीरियर स्केलेटन होता है बाहरी एक कंकाल तंत्र सा आप कह सकते हैं हाउस ऑफ पालिप भी हम कह सकते हैं ठीक है ये किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कि इसे बाहरी जो भक्षण भक्षणकारी हैं प्रस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ठीक है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि कोरलाइट एक बॉडी के रूप में भी काम करता है कोरल एनिमल का एक्सो भी इस कारण से इसको बोलते हैं जो कि कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट रेजिड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का बना होता है ठीक है इसमें कुछ वर्टिकल इस तरीके से कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें वो रहते हैं कोरल यानी कि और ये वर्टिकली डिवाइडेड कंपार्टमेंट को स्पेटा इस 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 कहते हैं, ठीक है? तो ये बात याद रखना ये जो एक्सटीरियर स्केलेटन है ये एक रॉ मटेरियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ अब यहाँ पर रीफ नाम आता है तो रीफ का मतलब होता है जो कॉम्पैक्टेड रिजिड मैसिव स्ट्रक्चर होता है कई सारे उसमें कोरलाइट या एक्सटीरियर स्केलेटन हो जाते हैं ये कई सारे कोरलाइट के मिलने से जो डेड एनिमल है अब यहाँ पर देखो एनिमल डेड हो चुका है एनिमल डेड हो गया तो बाहर का ये जो कोरलाइट होगा वो और ज्यादा नहीं बनेगा ये कई सारे इकट्ठा होते रहेंगे होते रहेंगे कोरलाइट तो बन जाएगा रीफ एक भित्ती स्ट्रक्चर ठीक है जो कि इसके हाउस से ही बनता है इसको बोलते हैं रीफ और ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये भी आप याद रखना ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कोरल का हार्डन स्ट्रक्चर होता है उसे कैल्शियम कार्बोनेट का उसे क्या बोलते हैं उसे रीफ बोलते हैं ठीक है थीके? ये लिखा हुआ भी है नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है डिपॉजिट हो जाता है जब एक दूसरे के ऊपर ये कोरलाइट एक और है, फिर एक और फिर एक और इस तरीके से पूरी एक भित्ति बन जाएगी जिसे कोरल रीफ बोल देंगे कब आफ्टर द डेथ ऑफ कोरल एनिमल ठीक है कॉम्पैक्ट हो जाता है सीमेंटेड हो जाता है ये तो सब बता ही दिया आपको साथ ही साथ ये मैसिव लार्ज कोरल रीफ के रूप में आपको ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा तो वो इसी का एग्जाम्पल है ठीक है ये कोरल और रीफ है तीनों में अंतर आपको पता लग गया कोरल रीफ और कोरलाइट किसी को कोई समस्या बताइए <coughs> फटाफट किसी को कोई प्रॉब्लम अब यहां से कंडीशंस देखिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार पॉइंट अभी जितना बता रहा हूँ मैं सारे कुछ इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ आपको शॉर्ट में अपने नोट्स में लिखी हुई होनी चाहिए और सब कुछ याद होना चाहिए है ना जब कंडीशन आपको याद होंगी तभी जाके आपको असर्शन रीजन के सवाल आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी कॉन्सेप्ट के याद नहीं होते हैं तो वो आपसे सॉल्व नहीं होगा ये याद करना बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए कुछ खास कंडीशंस होती हैं तभी जाकर के ये सर्वाइव कर पाएगा ग्रो कर पाएगा अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा सबसे पहला ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर अगर एक दो डिग्री सेल्सियस भी इनके नॉर्मल सिचुएशन से ऊपर बढ़ गया इनकम हो गया तो फिर ये खत्म होने लगते हैं तो ये कोरल 20 से, से डिग्री 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही डेवलप हो सकते हैं अब देखिए इस दोनों को आप जोड़ दीजिए 20 तीस पचास का आधा पच्चीस डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज ठीक है ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जैसे कॉन्टिनेंटल स्लोप का पूछ लिया था तीन और पाँच डिग्री के बीच में रेंज होती है तीन और पाँच को जोड़ दीजिए आठ का आधा चार डिग्री हो गया तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी याद रखना ठीक है अब गहराई ये तो टेम्परेचर रहा टेम्परेचर दूसरा होता गहराई तो गहराई ये थर्टी मीटर के आसपास बिलो द सी लेवल ये मिलते हैं लेकिन ये अस्सी मीटर के आगे नहीं मिलेंगे मतलब तीस मीटर तक तो मिलते ही मिलते हैं यहाँ तक ये ये आइडियल एक डेप्थ है लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा तो नहीं है कि ये तीस मीटर की लाइन है इसके आगे ख़त्म कुछ नहीं ऐसा तो नहीं होगा धीरे धीरे करके कम होना शुरू होंगे लेकिन अस्सी मीटर की लाइन वो होगी जिसके आगे ये बिल्कुल नहीं मिलते कैन नॉट सर्वाइव ठीक है अब मैंने देखो जैसे आपको यहाँ पर टेम्परेचर बताया कि इनको टेम्परेचर की इतनी आवश्यकता होती है तो आप इसका मैप देखिए जरा ये देखिए मैप अब इस तरीके का सवाल जैसा एग्जाम में आएगा असन में लिखा हुआ है कि कोरल रीफ महासागरों के या ओशन के वेस्टर्न पार्ट में या कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं और किसके ट्रॉपिकल एरियाज के, के। देखो ये ट्रॉपिकल एरिया है आप समझना क्वेश्चन को ट्रॉपिकल एरिया है नंबर एक चीज ठीक है कोरल रीफ ट्रॉपिकल ओशन एंड सीज के वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं या कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है देखो अटलांटिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है सही है पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट है सही है और ये ट्रॉपिकल है बिल्कुल सही है कारण क्या है इसका ईस्टर्न पार्ट में देखो अटलांटिक ओशन के भी ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम है नहीं है पैसिफिक ओशन के भी ईस्टर्न पार्ट में नहीं है बहुत कम है न के बराबर है करेक्ट के, आन, आ, मतलब ऐसा है क्यों कारण क्या हो सकता है इसका महासागर की जो धाराएं होती हैं ओशनिक करंट आपको बताया था इस रीजन में ट्रेड विंड के प्रभाव में आकर ये अपने ओशन के ईस्टर्न मार्जिन से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाके इकट्ठा हो जाएंगी हो जाएंगी अगर ये वेस्टर्न मार्जिन में जाके इकट्ठा हो गया तो ये तो गर्म पानी है ना तो गर्म पानी यहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर बीस से तीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा ही जो कि इनके लिए आइडियल है अब महासागरी धाराएँ नंबर एक चीज़ टेम्परेचर इधर की तरफ लेके गई हैं नंबर दो सेलिनिटी भी अपने साथ लेके जाएंगी सेलिनिटी में इनके लिए कुछ न्यूट्रिशन uh, होंगे तो वो सारी चीजें इनके लिए एक आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड कराती हैं बात समझ में आ रहा है तो अगर रीजन में लिखा हुआ है कि महासागरी धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तो इसका रीजन यही है समझे बात ऐसे ही किसी ने मुझे एक सवाल भी दिया था जैसे तो ओशनोग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला जुला के एक सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे अकेला कोई चीज़ सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको पहले कुछ इन्फॉमेशन मालूम ना हो यहाँ पर आपका हवाओं की भी जानकारी आपको होनी चाहिए साथ ही टेम्परेचर की भी जानकारी होनी चाहिए चाहे एटमोसफियर की टेम्परेचर में और सरफेस का भी ओशन सर्फेस का भी ओशनोग्राफी भी आपने पढ़ी हो तब जाके ऐसा सवाल सॉल्व होगा ऐसा सॉल्व नहीं होता है इसके बाद हाई टर्बिडिटी करंट बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी करंट वाला पानी है तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी पानी ना बिल्कुल शांत हो ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें टर्बुलेंस हो झंझावत बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का फुल्का उसमें टर् होनी चाहिए ताकि उसमें दूसरी तरफ से सेडिमेंट और जो न्यूट्रिशन है वो आ सके लेकिन अगर हाई टेबिडिटी है तो भी ये डज नॉट ग्रो डज नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ़ कोरल ठीक है ये बात याद रखना अब ऐसे सिचुएशन कहाँ पर हो सकती है जहाँ पर जो नदियां हैं वो आकर के मिलती हैं समुद्रों में ये बात याद रखना ठीक है फ्लक्स ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर फ्लक्स माने फ्लो बहुत ज़्यादा फ्लो फ्रेश वाटर आकर के मिलता है देखो जो फ्रेश वाटर होता है नदियों के मुहाने पर क्यों नहीं मिलते हैं कोरल उसका कारण ये है कि नंबर एक चीज इसमें तो एक तो गाद बहुत ज़्यादा आता है सेडिमेंट है ना अब इनके जो टेंटिकल्स हैं उनके टेंटिकल्स यानी कि उनके मुंह में रेत भर गया है अगर किसी के मुंह में आप रेत भर दोगे तो वो बताओ जिंदा रह पाएगा खुद ही सोचो नदियां रेत लेके आई और कोरल के मुंह में रेत भर दिया ख़त्म हो गए है ना और दूसरी चीज़ ये फ्रेश वाटर है इसमें सेडिमेंट नहीं है न्यूट्रिशन नहीं है उनको न्यूट्रीशन की जगह पर रेत भरा जा रहा है उनके मुंह में तो ये इंजरीस है उनके लिए हेल्थ के लिए जैसे आपको खाना भरना है अपने मुंह में और आप सिगरेट के धुआं भर रहे हैं तो वो इंजीरियस तो हो गए ना इंजूरियस होगा हेल्थ के लिए वन सेकेंड ओके okay. तो ये जो फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर में क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होती है तो इसकी वजह से ये जहाँ पर नदियों के मुहाने होते हैं वहाँ पर ये नहीं मिलते हैं ठीक है बात समझ में आ रहा है तो इसीलिए कोरल अवॉइड करते हैं माउथ ऑफ मेजर रिवर ठीक है और साथ ही दे अवॉइड कोस्टल एरियाज ठीक है लेकिन ये आइलैंड के अराउंड ज़रूर मिलते हैं जहाँ पर कि बड़ी रिवर्स ना हो जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया का तो यहाँ पर ये यह मिलते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड आप तो जानते हैं कि वो कोरल का बना है ठीक है और नहीं जानते तो नोट कर लेना इसके अलावा हाई सेलिनटी हाई सेलिनटी भी बहुत ज्यादा हाई सेलिटी इसके लिए इंजूरियस होती है हानिकारक होती है कितना आइडियल सिचुएशन इनके लिए सताइस से तीस पी, -पी होती है एक ग्राम पानी पानी में एक ग्राम समुद्री जल में सत्ताईस से तीस ग्राम सेल होनी चाहिए ठीक है अब जैसे मान लीजिए आपकी कैपेसिटी दो से चार रोटी खाने की है चलिए आपको मैक्सिमम पांच खिला दिया आपने स्वाद स्वाद में एक और खा ली फिर दो और खा ली अब आपको अगर दस पंद्रह खिला दे। दस पंद्रह अगर आपको रोटी खिला देंगे तो आपको क्या हाल होगा ठीक है तो आप मतलब बदहज़मी तो जरूर अपने आप ही होनी है आपको तबीयत खराब अपने आप ही होनी है तो ऐसे ही इनका है है ना हाई एनर्जी सी वेव्स फेवरेबल होती है इनके लिए कारण है क्योंकि वो अपने साथ न्यूट्रिशन लेके आती हैं जो कि जुकसा थलाई एल को मिलता है जिसकी वजह से ये अपना सिक्सटी परसेंट फूड की रिक्वायरमेंट को प्राप्त करता है फिर ठीक है और ये नाइन्टी वन मीटर से नीचे मिलते ही नहीं है क्योंकि एट्टी वन एटी मीटर से नीचे तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं इनको कुछ मिलता ही नहीं है ना ही इनको आ, ये एल मिलती है क्योंकि ये एल फोटो होती है और आप जानते हो कि नीचे बढ़ते हुए बीस मीटर की गहराई तक ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है समुद्र की समुद्र में सूर्य की किरणों का तो ये फ़ोटो नहीं सो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा एल ख़त्म होने लगती है इसकी फूड की रिक्वायरमेंट ख़त्म होने लगती है तो एल ये भी नहीं मिलता है कोरल पोल्यूशन फ्री होना चाहिए कोस्टल एरिया फिर वही बात है वरना कि इनके मुंह में जो इनका टेंटिकल्स है उसमें टेंटिकल्स मुंह है इनका तो उसमें न्यूट्रिशन की जगह पोल्यूशन जाएगा ठीक है ये भी चीज़ याद रखना साथ ही कोरल ब्लीचिंग कोरल ब्लीचिंग जैसे आप ब्लीचिंग करवाते हो तो कन्याओं को पता होगी कोरल ब्लीचिंग ब्लीचिंग ये ब्लीचिंग शब्द से आप वाकिफ़ होंगे तो ब्लीचिंग का मतलब होता है सफ़ेद हो जाना ठीक है ना अगर आपने करवाई है या फिर आपने देखा है तो आपको पता होगा ब्लीचिंग करके सफ़ेद हो जाते हैं अब इंसान अगर सफ़ेद होता है तो वो सुंदर दिखता है हसी हद सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए तो फिर वो नहीं दिखता है सुंदर तो लेकिन जब ये सफ़ेद होते हैं जब इनकी ब्लीचिंग होती है तो फिर इसका मतलब है डेड हो गए क्योंकि ये रंग बिरंगे हैं ठीक है इनको प्रकृति ने इस तरीके से रंग दिया हुआ है कई सारे रंग दिए हुए हैं ये उसमें ही अच्छे लगते हैं और जब ब्लीचिंग हो गई ब्लीचिंग का मतलब है इनके ऊपर जो टेंटिकल्स है उन टेंटिकल्स में जो भी एलेगी है वो ख़त्म हो गई ख़त्म होने की वजह से इनकी जो क्षमता है सिक्सटी परसेंट भोजन की वो भी खत्म हो गई चली गई उनके साथ और ये खत्म हो गए ठीक है तो जब ये ब्लीच हो जाते हैं सफ़ेद इनका रंग हो जाता है या बेरंग हो जाते हैं ये इसका मतलब है ये टेम्परेचर बढ़ गया है या कोई और भी फैक्टर हो सकता है तो ये खत्म हो गए हैं ठीक है थेके? तो इनमें मुख्य रूप से अचानक से एक डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाना भी हो सकता है कोरल ब्लीचिंग में ठीक है मास डेथ ऑफ कोरल अब ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना उसकी वजह से भी हो सकता है ठीक है अब कोरल इकोलॉजी की बात करें हम पार्सकी की तो कोरल इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन कोरल एनिमल एंड फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक है जो समुद्र का एनवायरमेंट है और कोरल एनिमल है इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है क्या रिलेशन है इसी को कोरल इकोलॉजी बोलते हैं ठीक है और साथ ही जो कोरल पॉलिप है और साथ ही मरीन ऑर्गेनिज्म है एक तो कोरल और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट और एक कोरल और उसका साथ ही जो ऑर्गेनिज्म है बाकी जो दूसरे लोग हैं मतलब बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका आपस में क्या रिएशन रिलेशन है उसको बोलते हैं कोरल इकोलॉजी इसी के आधार पे फिर कोरल को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं एक हर्मा टाइप कोरल और एक दूसरे होते हैं अहारमा टाइप कोरल हारमा टाइप कोरल क्या होते हैं ये वो कोरल रीफ हैं जो ग्रुप में रहते हैं मैंने शुरुआती स्लाइड में ही बताया था आपको कि ये कोरल इंडिविजुअल भी रह सकते हैं और ये ग्रुप में भी रह सकते हैं तो हारमा टाइप कोरल वो होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं ये ग्रुप में ही रहते हैं और अपनी कॉलोनीज बना करके रहते हैं ठीक है इसीलिए इनको कोलोनाइजर कोरल भी बोला जाता है ये डिपेंडेंट होते हैं जुकसा थलाई अलीगी पर इसीलिए कोरल में रहते हैं इनके टिश्यूज़ में ये एलिजी आपको दिखाई देगी ट्रॉपिकल जो सी है ओशन है उनमें ये मुख्य रूप से मिलते हैं साथ ही ये पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में ज़्यादा मिलते हैं जो अभी मैंने कंडीशन बताई है ना इनके लिए कौन कौन से सर्वाइवल की कंडीशन है तो पेज नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पर बताई है ये वाली कंडीशन तो ये हरमा टाइप कोरल के लिए मतलब ये वाली कंडीशंस हरमा टाइप कोरल की ही है ठीक है साथ ही फोर्टी परसेंट जो इनकी रिक्वायरमेंट है तो वो ये जूम प्लैंगटन और अपने जो टेंटिकल्स हैं उनसे प्राप्त करता है बाकी कैसे करके सिक्सटी परसेंट भोजन प्राप्त करता है वो बताया आपको अभी ठीक है दूसरा होते हैं अहारमाटाइप कोरल तो अहारमाटाइप कोरल का मतलब है इनके अपोजिट ये ग्रुप में नहीं रहते हैं ये साथ अकेले रहते हैं आइसोलेशन इंडिविजुअल रहते हैं ना ही ये कॉलोनी बनाते हैं और ना ही इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस है ये कहीं पर भी रह सकते हैं इनकी कोई सर्टन कंडीशन नहीं है कि इसी कंडीशन में ये रहेंगे ये मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी ओशन में ये मिल सकते हैं अलग अलग इन्वामेंटल कंडीशन में ये मिलते हैं ये वार्म वाटर में भी हो सकते हैं ये कोल्ड वाटर में भी हो सकते हैं ये शेलो वाटर में भी हो सकते हैं ये डीप वाटर में भी हो सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है अलग अलग कंडीशन में ये हो सकते हैं तो द कोरल एनिमल आर अडेप्ट अडेप्टेड मतलब ये इस प्रकार के कोरल अलग अलग इन्वामेंटल कंडीशन को लोकेशनस को अडेप्ट कर लेता है ठीक है और जिसकी वजह से उसके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स होते हैं इस प्रकार के कोरल के कि अलग अलग कंडीशंस में मिलेगा तो जाहिर सी बात है उस उसे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के कंडीशंस को अडोप्ट करना पड़ेगा तो इसके कुछ बाहरी इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके कुछ अलग से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिनको हम एलिग्री रिजज़ रिज यानी कटक बटरेस जोन रीफ वेस रीफ टेरेस पैच रीफ इन नामों से जानते हैं क्या है ये तो यहाँ पर लगा हुआ है तो देखिए ये एलेगी रिजेज हैं कटक आपको दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार से ये एलेगी रिजेज हैं यहाँ पर आपको री ये रीफ फेस दिखाई देगा पहले इस स्ट्रक्चर को समझ जाना ये लैंड एरिया है और यहाँ से ये लैंड पार्ट इस तरीके से समुद्र के अंदर जा रहा है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर डॉट डॉट ये मतलब इस तरीके से बनाया हुआ है ये रीफ है है ना और यहाँ पर इनके देखिए रिज़ेस बने हुए हैं ये ऊपर का समुद्र का तल है यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे पैचेस दिखाई देंगे ठीक तो यहीं पर सबसे पहला एलेगी रिज एलेगी रिज क्या होता है ये कंपोज होता है मोस्टली एलेगी से ठीक है एलेगी रिज सबसे ऊपर बना हुआ है ये नाम से स्पष्ट है कि वो एलेगी से मिल के बना हुआ है अब समुद्र की जो लहरें आ रही है देखो ये तट है ये लैंड पार्ट है और इस तरफ से समुद्र की लहरें आ रही हैं तो यहाँ पर ये यह रिज क्रिएट हो गया है तो समुद्र की लहरें सबसे पहले इसी एलेगी रिज से टकराती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र की लहरों को ये क्या कर देता है उनका इरोजन से इनको बचाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेव्स होती हैं सर्फ सर्ज वेव्स होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से एनर्जी वीक पड़ जाती है और रीफ का कम से कम इरोजन हो इस तरीके से उसको बचाती है इसे बोलते हैं एलेगी रिज ठीक है दूसरा मोर्फोलॉजिकल इसका जो जोन होता है उसे बोलते हैं बटरेज जोन ये बटरे जोन देखिए कई सारे अल्टरनेटिव रेजिस से मिलकर के बना होता है तो दो रेजिस के बीच का जो जोन होता है ना ये अलग ही रिज के बीच का जोन जो इनको सेपरेट करता है एक अलगी रिज ये है अलग लिए इनके बीच का जो सेपरेट करेगा इसी को बटरेस जोन बोलते हैं ठीक है यहाँ पर आप देखिए भी तो ये दिखाई भी दे रहा है आपको लिखा हुआ है यहाँ पर बटरे जोन एक रिज ये हो गया एक रिज दूसरा ये हो गया इनके बीच का जोन जो दोनों को सेपरेट कर रहा है उसे बट जोन बोलेंगे ठीक है ये काफ़ी अनडेलेटिंग सरफेस यानी कि ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी यहाँ पर होती है और यहाँ पर भी कई सारी जो मतलब जो एनर्जी आ रही है एलिगिर से टकराएगी जाहिर सी बात है वो इस जोन में भी आएगी तो यहाँ पर भी आके इस तरीके की जो इररेगुलर अनडेलेटिंग टोपोग्राफी है वो एनर्जी जो वेव वेब की एनर्जी है उसको डिस्टर्ब कर देती है उसे कम कर देती है

बियॉन्ड एट्टी मीटर डेप्थ तो ये नीचे की तरफ जाते हुए ये रीफ का फेस मिलता है और इसके बाद होता है रीफ का टेरेस रीफ टेरेस आपको ये दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पर इस तरीके से टेरेस दिखाई दे रहा है ना तो इसको क्या बोलेंगे रीफ टेरेस बोलेंगे ओके और ये लैगून का सी लेवल है इधर रीफ टेरेस का मतलब होता है लैंड वर्ड लैंड की तरफ गया हुआ साइड तो रिज का पीछे आप रिज देखे हैं ये वाला एलेगी रिज है तो इसी रिज का लैंड की तरफ गया हुआ साइड और एक इस तरीके से टेरेस या सीढ़ी आकृति यहाँ पर बन गई है इसको बोलते हैं रीफ टेरेस रीफ टेरेस करेक्टराइज बाय फ्लैट ब्रॉड सरफेस होते हैं इसमें फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होते हैं काफी ज्यादा और ये लो टाइड वाटर के अबो होता है ठीक है और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनक्रस्टिंग एलेगी से ये क्रिएट होता है जो एलेगीज होती हैं

यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इधर लैंड हो गया और इस तरफ भी रीफ है इस तरफ भी रीफ है बीच में पानी है तो इस पानी को बोलते हैं लैगून लैगून बन गया है ठीक है और ये आपका पैच रीफ है मतलब पैचेस में यहाँ पर मिलते हैं बटरे जोन को बटरे जोन ही बोलिए हिंदी का तो मुझे अभी नहीं पता है लेकिन आप उसे बटरे जोन ही बोलिए और वैसे ही लिखना उसको तो सही रहेगा ठीक है चलिए अब इसी में यही वही चीज बताई गई है लेगुन यहाँ पर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का ये रॉक बना होता है पैच रीफ के बारे में बताया गया है इसके ऊपर जो पूरा एरिया है इस एरिया में एल रेज के आगे वाला एरिया ये रीफ टेरेस इसमें छोटे छोड़ छोटे रीफ्स हैं जिनको पैच रीफ बोलते हैं ठीक है याद रखना इन बिटवीन इनवर्ट एज ऑफ रीफ टेरेस रीफ टेरेस का जो इनवर्ट एज होता है साथ ही लैंड इन दोनों के बीच में कुछ ब्रॉड शेलो वाटर लेगूनस होती हैं और उन्हीं में कुछ डिपॉजिट होते हैं डेड कोरल रबर्स रबल्स कैल्शियम कार्बोनेट के उसके बेस पर और यहीं पर कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं माउंट्स यानी छोटे छोटे टीले ठीक है इसी लैगून के सरफेस पर इन्हीं माउंट्स को या टीलों को पैज रीफ बोलते हैं ठीक यह बात याद रखिएगा क्लियर है समझ में आया पैचरी और हर्मा टाइप क्या होता है और अहर्मा टाइप कोरल क्या होता है ये मैंने आपको भी बता ही दिया ठीक है इसके अलावा इनक्रस्टिंग कोरल इनक्रस्टिंग कोरल का मतलब होता है जो कि ग्रो करते हैं अलोंग एलेगी रिज एलेगी रिज अभी आपको पीछे दिखाया था उस एलेगी रिज के साथ साथ ही जो ग्रो करते हैं कोरल्स उनको इनक्रस्टिंग कोरल बोलते हैं ठीक है बिकॉज दे कैन विद स्टैंड एंड फ्री बाई फ्री ऑफ स्ट्रॉन्ग पाउंडिंग वेव्स ये इसको क्या कर सकते हैं मतलब यहाँ से अगर बहुत तेजी से समुद्र की तरंगे आ रही हैं तो ये उसको झेल सकते हैं इसी वजह से यहाँ पर बने हुए हैं और इन्हीं एलिगेज के फिर ये समानांतर इन्हीं के अलोंग बने हुए होते हैं क्योंकि इतनी तेज़ी से जो समुद्र की लहरें आ रही हैं उनको अगर ये नहीं झेल पाएंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे इसी वजह से यहाँ पर ये बन जाते हैं क्योंकि उनको झेल सकते हैं ठीक है और ये बने किसके होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के तो पता ही है आपको और ये स्ट्रॉन्ग वेव्स को फेस कर सकते हैं बटरेस जोन ये क्या होता है इस कॉलोनाइज बाय किसके द्वारा बना हुआ होता है ब्रेन कोरल और ब्रांचिंग कोरल ये कोरल के प्रकार है इसके द्वारा ये बना होता है विच कैन इजीली विथ स्टैंड वेव अटैक ठीक है जो वेव का अटैक हो रहा है उसके सामने ये इजीली स्टैंड कर सकता है खड़ा रह सकता है और ये इसको बोलता है बटरेस जोन ठीक है जो दोनों एलेगी को रिज के बीच में होता है डीपर पार्ट गहराई वाला जो पार्ट है, है अब जो लेगुन है lagoon lagoon, के के पीछे होता है लैंडवर्ड एरिया जो होता है ठीक है आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेव अटैक वो प्रोटेक्टेड होता है इन वेव जो एल ए रीफ है इनसे प्रोटेक्टेड होता है अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ कोरल से लेगुन से इसको लेगुन बोलते हैं पीछे है ना एल रिसर्ट ये प्रोटेक्टेड है ये लेग रीफ टेरेस से प्रोटेक्टेड है यहाँ पर समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं इसीलिए छोटे छोटे पैचेस में भी ये पैच रीफ बन चुके हैं समझे ठीक है अभी इस मैप को मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बाद हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये मिलते हैं और जहाँ मिलते हैं वहाँ क्यों मिलते हैं कारण आपको पता लगा देखो अगर मैंने आपको ये मैप दिखाया है तो इसका कारण आपको पता लगा कि ये महाद्वीपों के पूर्वी छोर पर और महासागरों के जिसको हम पश्चिमी छोर बोल सकते हैं बात एक ही है और इसी एरिया में क्यों मिलते हैं कारण समझ में आया चीज़ किसी भी कॉन्सेप्ट का ऐसे आपको कारण समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनके लिए आइडियल टेम्परेचर सेलिंडिटी है ना डेप्थ ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस वजह से ही यहां पर मिलते हैं एग्जाम में ऐसे ही अस रीजन का सवाल आ सकता है स्टेटमेंट के सवाल तो आप सॉल्व कर ही लेंगे ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक ओशन में ज्यादा मिलते हैं अटलांटिक में उतने ज्यादा नहीं इंडो पैसेफिक ओशन में सबसे ज्यादा मिलते हैं और ये आपका इंडो पैसिफिक ओशन में बिटवीन थर्टी डिग्री साउथ से लेकर के ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड तक मिलते हैं और जो जनरल एस्पेक्ट है वो 25 से नॉर्थ 25 साउथ तक लार्जेस्ट कंसनट्रेशन इनका ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है हमेशा वेस्टर्न पैसिफिक वेस्टर्न ओशन में ही मिलेगा और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट एरिया में मिलेगा ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ये वाला एरिया देखिए इंडियन ओशन इधर है ये वेस्टर्न पैसेफिक ओशन सबसे बड़ा एरिया इनका यहीं पर मिलता है कोरल रीफ का ठीक है और आपको अगर बताएं तो पैसिफिक ओशन में अकेले पूरे विश्व में जितने भी कोरल रीफ हैं अकेले पैसेफिक ओशन में पचपन प्रतिशत कोरल मिलती हैं और इंडियन ओशन में पूरे विश्व का थर्टी परसेंट कोरल रीफ मिलते हैं तो थर्टी और पचपन कितने पाँच दिन आठ पचासी परसेंट तो यही मिल गए बाकी और दूसरे क्षेत्रों में ठीक है कारण है लिखा हुआ भी है यहाँ पर कारण ये है कि ये कॉन्टिनेंट का एशियन पार्ट हम उसे ही कहते हैं कि यहाँ पर बिकॉज वार्म मिक्यूटोरियल करंट चलती हैं जो कि अपने साथ हाई एनर्जी सफिशियंट न्यूट्रिशन लेकर के आती हैं सिम्बायोटिक जूकसा थलाई एलगी को लेकर के आती हैं इस वजह से ये यहाँ पर मिलते हैं ठीक है जो भी रीजन होता है कारण होता है और ड्यू टू इस फैक्टर से हो रहा है बिकॉज इस फैक्टर से हो रहा है वो मैं आपको हर जगह पर हिंट करता हूँ कि देखो ये जरूरी है इसको नोट करो इसको समझो ठीक है इनके मेजर कंसनट्रेशन वाले एरियाज कौन कौन से हैं इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन में तो यहाँ पर आप याद रखिएगा वैसे तो मैप में देख ही लिया है स्पेसिफिक रूप से ऐसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ केन्या मेडागास्कर साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है जो और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेड सी मालदीव ये सारे इसके प्लेसेस हैं पैसेफिक ओशन में भी इसी तरीके से ये आप देखते चलना अटलांटिक ओशन और जो कुछ लोकल कंडीशंस होती हैं यहाँ पर ये मिलते हैं इस मैप में आप इनको देख सकते हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ ये वाली है ये तो आपको पढ़नी ही है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है

चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने पैसिफिक ओशन की कोरल रीफ के स्टडी के आधार पर इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है फ्रिंजिंग बैरियर और Atolls. और इनके लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ट्रॉपिकल कोरल रीफ हो सकते हैं ये एक्सटेंसिव होते हैं और मार्जिनल बेल्ट होते हैं ठीक है थीके? तो मुख्य रूप से ये वाला इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन का ये क्लासिफिकेशन है पैसिफिक स्टडी के आधार पर ठीक तो पहला होता है फ्रिंजिंग रीफ दूसरा होता है बैरियर रीफ और तीसरा एटॉल पहले देख लो ये है फ्रिंजिंग रीफ और ये है आपका बैरियर रीफ दोनों में अंतर क्या दिख रहा है ये लैंड एरिया है ये भी लैंड एरिया है ये सी लेवल है ये भी सी लेवल है लेकिन जो फ्रिंजिंग रीफ है वो सी लेवल और लैंड से बिल्कुल अटैच्ड है है ना अरे बैरियर रीफ में देखिए तो ये कुछ इस प्रकार से है इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे उसके बनी हुई है ये बोलते हैं बैरियर रीफ ठीक है इसमें थोड़ा सा गैप है यहाँ पर समुद्र में पानी भरा हुआ है यहाँ पर इसको बोट चैनल बोलते हैं आगे बताता हूँ कॉन्टिनेंटल मार्जिन के या फिर किसी भी आइलैंड के उसके साथ साथ उससे लगे हुए क्षेत्र में बने हुए होते हैं जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा है फ्रिंजिंग रेव एकदम इससे अटैच है है ना तो ये फ्रिंजिंग रीव है समझ रहे और इसका जो स्लोप स्लोप होता है समुद्र की तरफ अगर हम देखें तो स्टीप होता है वर्टिकल होता है एकदम और अगर स्थल भाग की तरफ देखें तो जेंटल होता है देखो यहाँ पर ये स्टीप स्लोप है और इस तरफ थोड़ा जेंटल स्लोप है ये, ये है ना साथ ही ये यूजुअली ये अटैच्ड होती हैं कोस्टल लैंड से लेकिन कभी कभी ये इनके बीच में पानी भी भर जाता है और एक लेगून एरिया भी बन जाता है अब जब पानी बन जाए पानी भर जाए और बर, पानी भर जाए लेगून बन जाए तो उसको बोट चैनल बोल देते हैं जैसा बैरियर रीफ में होता है इसमें हर हमेशा ऐसा नहीं होता है कभी कभार ऐसा हो जाता है जनरली तो ये कोस्टल एरिया से अटैच होते हैं ठीक है और साथ ही ये आपका लॉन्ग होते हैं लंबे होते हैं काफ़ी लेकिन नैरो होते हैं इनकी चौड़ाई कम होती है लंबाई में ज़्यादा होते हैं अगर कोरल इनकी कंट्यूनिटी ऑफ कोरल इफ ब्रोकन अगर वो टूट जाती है तो वो वेरे, वेरेवर रिवर ड्रेन इनटू सी एंड ओशन इनकी कंटिनिटी वहीं पर टूटती है जहां पर समुद्र में महासागरों में नदियां बड़ी नदियां आकर के मिलती हैं ये कोरल बेसिकली टू तो टाइप्स के होते हैं फ्रिंजिंग भी एक वो कोरल होते हैं जो फेसिंग ओपन ओशन जिनका फेस ओपन ओशन की तरफ होता है दूसरे बैरियर वाले होते हैं बैरियर रीफ इसी का एग्जाम्पल है बेसिकली फ्रिंजिंग रीफ का ही जिसमें पानी भर जाए बीच में ठीक है अभी जो बैरियर रीफ है आप आगे देखेंगे तो फ्रिंजिंग रीफ फिर आगे इस आइलैंड में सकाउ आइलैंड फ्लोरिडा सदरन फ्लोरिडा और मेहतिया आइलैंड में इस तरीके से यहाँ यहाँ पर मिलते हैं ठीक है ये है आपका फ्रिंजिंग रीफ ठीक हो गया दूसरा है बैरियर रीफ ये अटैच है लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर समुद्र का पानी भर चुका है बैरियर रीफ कहते हैं और पूरे विश्व में जो लार्जेस्ट कोरल है वो इसी का एग्जाम्पल है वो बैरियर रीफ ही मिलती है जितनी भी कोरल के टाइप होते हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट सबसे एक्सटेंसिव हाइएस्ट वाइडेस्ट हर तरीके से बड़ी होती है बैरियर रीफ नाम से स्पष्ट इस है इसका बैरियर एवरेज स्लोप इनका 45 डिग्री के बीच में होता है कभी कभी 15 से 25 डिग्री के बीच में भी हो सकता है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी ग्रेट बैरियर रीफ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा हुआ भी है इसके बारे में ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में ऑस्ट्रेलिया में है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंसिव है नौ डिग्री साउथ से बाईस डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में एक्सटेंसिव है लंबाई इसकी बारह सौ माइल या उन्नीस किलोमीटर है ठीक है जो कि आपका टू थर्ड पार्ट कवर करती है कोस्टल लैंड ऑफ क्विंसीलैंड प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ठीक है बाकी कुछ और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है ताकि जब पढ़ें तो याद रहे ठीक है सदर्न पार्ट नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट जो है इसका नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट वो अस्सी मील और सात मील दूर है किससे कोस्ट से मतलब सदर्न पार्ट में ज़्यादा नज़दीक है कोस्टल एरिया के साथ ही इसकी जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम रीफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ रीफ फ्रॉम कोस्ट वो बीस से तीस माइल है ठीक है गहराई की अगर हम बात करें तो ये चालीस फदम के आसपास है कभी कभी आ, इसकी जो विट है चौड़ाई सात से अस्सी माइल के बीच में इसकी चौड़ाई है कहीं कहीं पर ये कुछ ब्रोकन भी है ओके टाइडल इनलेट भी यहाँ पर ओपनिंग भी खुली हुई है इस तरीके से ये इसके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स देखते हैं इसको बोलते हैं बेरी रीफ ये दूसरी है बैरियरीफ ठीक है अब आते हैं एटॉल्स ये देखिए ये अटॉल है कैसे दिख रहा है आपको समुद्र का लेवल से नीचे ही है लेकिन दो आइलैंड से बने हुए हैं और बीच में थोड़ा समतल है फिर एक दूसरा माउंट सा बना हुआ है अब इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ होगा ये जाहिर सी बात है पानी भरा हुआ है है ना तो ए रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल हॉर्स शू शेप में होते हैं घोड़े का जो नाल होती है उसके आकार के शेप में होता है क्राउंड विथ पाम ट्रीज ठीक है इनके ऊपर देखिए ये पाम के ट्रीज हैं ये ऐसा लगता है कि एक क्राउन इनके सर पर रख दिया है ये भी याद रखना पाम ट्रीज से ये क्राउन होते हैं इनको अटॉल्स बोलते हैं किसके शेप का होता है हॉर्शू शेप में होता है किसी भी आइलैंड के अराउंड चारों तरफ हो सकते हैं ये इलेप्टिकल हो सकते हैं सबमरीन प्लेटफॉर्म होते हैं ये मतलब तो समुद्र से नीचे ही हैं देर इज अगो लेग इन मिडिल ऑफ कोरल रिंग ये इस तरीके से आइलैंड होगा आइलैंड के चारों तरफ ही ऐसे बनते हैं ठीक है और बीच में इनमें क्या होता है कहीं पर ये पानी होगा जिसे लैगून बोलते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर दिख रहा है ये अटॉल है लिखा हुआ भी है यहाँ पर कोरल रीफ में ये नीचे यहाँ देखिए अटॉल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इस तरीके से होता है ये एग्ज़ाम में दिया हुआ डायग्राम डायरेक्ट यहीं से ठीक है मिडिल में इसके जो ये गैप है इसमें पानी भरा हुआ होता है इसको हम लैगून बोल देते हैं ठीक है जिसकी रेंज चालीस से सत्तर फैदम के बीच में हो सकती है अब अटोल को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ट्रो एटोल आइलैंड अटोल और ये आपका कोरल अटोल ट्रो एटोल का मतलब होता है कि ये रीफ सर्कुलर होती है इनक्लोज होती है एकदम क्लोज होती है और शेलो लैगून भी होती है इसमें विदाउट आइलैंड तो इसको ट्रू एटोल बोलते हैं आइलैंड अटॉल का मतलब होता है हैविंग आइलैंड इसके सेंटर पार्ट में आइलैंड होता है लैगून होती है इनक्लोज होती है सर्कुलर रीफ होती है कोरल आइलैंड का मतलब होता है और अटोल का मतलब होता है आइलैंड डज नॉट हैव आइलैंड ठीक है अटोल आइलैंड का मतलब हो गया डज नॉट हैव एनी आइलैंड इन द बिगनिंग शुरुआत में तो कोई आइलैंड नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे जाकर के इसमें एक लैंड पार्ट फॉर्म हो जाता है ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ मरीन वेव्स जैसे यहाँ आप देखिए तो अभी तो यहाँ पर आइलैंड है ना लेकिन ये लास्ट वाली प्रक्रिया देखिए तो ये आइलैंड धीरे धीरे करके इस सिचुएशन में आ जाएगा और ये आइलैंड से फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर कुछ नदियाँ आएंगी सेडिमेंटेशन करेंगी तो एक आइलैंड सा बन जाएगा तो ये इस बात को बोल रहा है कि शुरुआत में तो कोई आइलैंड नहीं होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे धीर करके बन जाता है अटोल्स आपके एंटीलिस सी में रेड सी में चाइना सी ऑस्ट्रेलिया सी इंडोनेशिया सी यहाँ पर आपको मिलते हैं फनपुट्टी अटोल है एलिस आइलैंड ये फेमस अटॉल का एग्जाम्पल है ये इसका कुछ लंबाई चौड़ाई के बारे में है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है थी? इसके अलावा शेलो रेगो रीफ होते हैं नाम से स्पष्ट है शेलो शेलो लेगून रीफ माइनर रीफ होते हैं छोटे रीफ होते हैं जो कि एनुलर शेप में होते हैं इस तरीके से एनुलर शेप में होते हैं और आपको ये एप्ली, एप्ली कॉन्टिनेंटल सी में मिलते हैं जैसे इंडोनेशिया का जो सी है साउथ चाइना सी इन क्षेत्रों में आपको मिलते हैं छोटे छोटे पूल शेप में होते हैं और चेन में मिलते हैं शेलो स्मॉल लेगूंस इसमें होते हैं कोरल बैंक ये आइसोलेटेड होते हैं और शेपलेस हैं किसी भी शेप में हो सकते हैं शेप इनका कोई खास नहीं होता है और पिनिकल्स में निकले होते हैं इस तरीके से इनको पिनिकल्स बोलते हैं धारी धार इस तरीके से बने होते हैं रिजिस तो जैसे आपने टेरेस देख सॉरी टेरेस नहीं कास्टोपोग्राफी में इस तरीके से देखा ना उनको पिनिकल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको पिनिकल्स तो वही पिनिकल्स रिया छोटे छोटे रिजिस ये बने हुए होते हैं किसमें लेगून में ठीक है अब ये हो गया है आपका पूरा कंप्लीट यहां से आगे ये जो चीज़ें लिखी मैं चार चार इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है जो थ्योरी डिटेल में पढ़नी होती है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एग्ज़ाम में बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये थ्योरी किसने दी है वैथ द फॉलोइंग में या डायरेक्ट क्वेश्चन में सबसे जैन थ्योरी डार्विन की है याद नाम याद रखना ये इन्होंने सबसे पहली बार उन्नीस में पॉस्टुलेट की थी प्रतिपादित की थी फिर आगे जाके इन्होंने इसको 1842 में मॉडिफाई किया था जब ये अपना जो एम एस बीगल है उसमें एक यात्रा पर गए थे उसके बाद जो इनको ऑब्जर्वेशन हुआ ठीक है ज्ञान की प्राप्ति हुई उसमें फिर इन्होंने इसमें सबसे अपने क्या, क्या? इसमें किया इसमें मॉडिफिकेशन की इसके अलावा स्टैंड स्टिल थ्योरी है मरे की इसकी जो स्टैंड स्टिल थ्योरी है इसे हम नॉन सब्सिडेंट थ्योरी भी कहते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है आपको डिटेल में नहीं जाना है स्टैंड स्टिल सिचुएशन ऑफ लैंड इस पर डिपेंड है और ये थ्योरी इन्होंने अट्ठारह में दी थी ठीक है जब ये चैलेंजर एक्सपेडिशन आपने मोरे का नाम सुना है उस समय पर सत्ताईस प्रकार के साल्ट का पता लगा जिसमें सात इम्पॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है किसकी डेली की इन्होंने ये 1915 में दी है ठीक है और सुन एज की इसमें इन्होंने बातें की है इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ विलियम और डेविस है इनकी कॉन्सेप्ट अपना इंडिविजुअल कोई नहीं है बल्कि डार्विन के सपोर्टर हैं अगर पूछे कि डार्विन के सपोर्टर कौन है सबसेजन थ्योरी में तो वो डेविस है विलियम मॉरिस डेविस 1914-18 के बीच में इन्होंने इसमें कुछ ना कुछ रिवाइव किया था सब्सिजन थ्योरी जो कि डार्विन और बाकी द्वारा प्रोपाउंड की गई थी अगर को भूल जाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे डार्विन के द्वारा दी गई है सबसेजन थ्योरी ठीक है समझ में आया और ये डार्विन के द्वारा सीक्वेंस बताया गया है कि कोरल का या अटॉल का डेवलपमेंट कैसे होता है अटोल कोरल का ही प्रकार है सबसे पहले देखिए ये आइलैंड को याद रखना तो याद रहेगा आइलैंड है बहुत बड़ा आइलैंड है उसके चारों तरफ कोरल है आइलैंड धीरे धीरे देखो छोटा हो रहा है कोरल छोटा हो रहा है आइलैंड बाहर निकल गया है ना कोरल छोटा हो रहा है और छोटा हुआ ये ओपनिंग इसमें बन गई इसके अंदर व्यक्ति भी घूम रहा है इस तरीके से ओपनिंग चारों तरफ हो गई है फिर आइलैंड खत्म कोरल ज़्यादा बढ़िया ये इसका सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ याद रखना एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये दे दिया था मैप और बोला था कि चलो अरेंज करो ठीक है तो इसको याद रखना आगे देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से जल्दी बताइए जल्दी ठीक है तो आगे बढ़ा जाए अब आगे हैं लास्ट स्लाइड है ये हाँ कोरल ब्लीचिंग इसका मतलब ये नहीं कि अभी चैप्टर खत्म हो गया है अभी जो लास्ट चैप्टर है ओशन हैबिटेट उसको मैं बताऊंगा तब जाके ख़त्म होगा ठीक है ऐसे ख़त्म नहीं होगा कि आप सीधा भाग जाओ ख़त्म हो गया वाह 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 कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कोरल का कलर बे कलर हो जाना मतलब बेरंग हो जाना बे कलर नहीं बेरंग हो जाना तो ये कोरल है कोरल ब्लीचिंग कहलाता है क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है कोरल ऑर्गेनिज्म, उसके टेंटिकल्स में एलेगी ख़त्म हो जाती है एलेगी से ही उसको सिक्सटी परसेंट भोजन मिलता है तो वो ख़त्म हो गई तो ये भी खत्म हो गया इसके ख़त्म हो जाने को कोरल का डेथ नहीं कहते हैं ब्लीचिंग कह देते हैं ठीक है और ये मुख्य रूप से ख़त्म आपका कोरल ब्लीचिंग मुख्य रूप से टेम्परेचर की वजह से होते हैं ऐसे मुख्य रूप से मास डिस्ट्रक्शन इनके दो हुए हैं इतिहास में जो बहुत बड़े लेवल पर हुए हैं 1880, 18, 1982 और 83 में और 1997 और 8 में इस समय पर आपका जन्म हुआ होगा देखो प्रलय आया था मास कोरल ब्लीचिंग हुई थी कारण क्या रहा था स्ट्रॉन्ग एलिनो एलिनो रहेगा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है ठीक है समझ में आई बात तो ये चीज आपको याद रखनी है अब आगे देखते हैं तो ये चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट इसमें और कुछ नहीं है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप बस थोड़ा इंतज़ार करना मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ लास्ट ओशन हैबिटेट उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसलिए एक पहले मैंने आपको स्लाइड दी होगी जिसमें बेंथीपोलजिक और ये जो, जो जोन है वो बताए गए होंगे पहले या दूसरी क्लास में उसको आप याद रखना और वहीं से बस क्वेश्चन आएगा मैं तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ और वैसे ज़्यादा कुछ इसका करना नहीं है और फिर मैं कल को शायद आज या कल कोशिश करूंगा आज वरना कल तो मैं कंबाइंड पीडीएफ अपलोड कर दूंगा पढ़ते रहना आराम से कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ नीचे ओशन हैबिट ठीक है देखो ओशन में आपको क्या करना है इस तरीके से ये ओशन का हैबिटाट होता है पहली वाली स्लाइड जब मैंने क्लास ली थी पहले दूसरी उसमें बताया था कि सबसे ऊपर का जो जोन होता है ठीक है ये वाला जो इसको बोलते हैं एपीपेलिजिक एपी एपी पेलेजिक मेरी राइटिंग ऐसी है तो मैं बोल देता हूँ एपी जिसकी डेप्थ 200 सौ मीटर तक होती है कितने मीटर तक 200 मीटर तक होती है ठीक है और 200 मीटर आप जानते हैं कि फोर्टिंग जोन भी होता है इसीलिए इसको फोर्टिंग जोन भी बोलते हैं सनलाइट इसके नीचे फिर बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचती है बीस मीटर तक तो ज़्यादा एक्सटेंसिव रहती है उसके आगे नहीं पहुँचती है ठीक है और प्लैंगटन भी यहीं पर मिलते हैं इसी वजह से प्लैंगटन जूप्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन सब मिलते हैं ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसो पेलेजिक एम ई एस ओ पी ई एल ए जी आई सी मेसो पेलेजिक जोन इसकी जो गहराई होती है मैं मेसो पेलेजिक लिख देता हूँ ऐसे एम पी मेसो पेलेजिक इसकी गहराई 200 मीटर से एक हजार मीटर के बीच में होती है ठीक है और जितना भी ये पेलेजिक हैबिटेट होता है मेसो जोन उसका टोटल ओशनिक हैबिटेट का मतलब टोटल पेलेजिक हैबिटेट का 28 परसेंट वॉल्यूम कवर करता है ठीक है क्लियर है बात इसके अलावा एक होता है बेंथी पेलेजिक नेक्स्ट आपने पढ़ा है उसी स्लाइड में मैंने आपको बताया है बेन्थी पेलेजिक, पेलेजिक बात मतलब जानते हैं कि गहराई वाला क्षेत्र होता है तो बी ए टी एच वाई पी ई एल ए जी आई सी बैथीपेजिको इसकी गहराई आपका एक हजार मीटर से चार हजार मीटर के बीच में होती है ठीक है और इस रीजन में आप जानते हो कि फिर ये नहीं पहुंचेगी सनलाइट तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी क्योंकि तो बहुत गहराई वाला पार्ट है ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो बहुत ज्यादा प्लैंकटंस नहीं मिलते हैं अफोटिक जोन भी इसको बोलते हैं ठीक है यहाँ पर जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं समुद्र के अंदर जो खुद से लाइट इमिट करते हैं वही इनका सोर्स होता है ठीक है जिनको हम बायोल्यूमिनिशंस बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूँ बायो ठीक है इस प्रकार के एनिमल्स को ये बोला जाता है जो कि खुद से अपने आप लाइट को प्रोड्यूस करते हैं पूरे पैलेजिक हैबिटाट का ये पंद्रह परसेंट एरिया कवर करता है नेक्स्ट होता है एबिसोपेलेजिक जोन एबिसो पेलेजिक जोन एबिसोपेलेजिक जोन इसकी स्पेलिंग लिख लेना ए बी एस ए बी वाई डबल एस ओ एबिसो बाकी तो पेलेजिक आपने लिखा ही है ये आपका 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक होता है 6000 मीटर जो कि डीप सी प्लेन वाला एरिया होता है है ना एकदम डार्कनेस होती है और टोटल फोर्टी टोटल पेलेजिक जोन का फिफ्टी फोर परसेंट एरिया यही कवर करता है एबिसो जोन एकदम डार्क एरिया है लाइट बिल्कुल नहीं है डार्कनेस ही डार्कनेस है और यहाँ पर जो फिशेज भी मिलती है ना वो भी ब्लाइंड होती है अंधी होती हैं ये मजाक की बात नहीं सच में ऐसा होता है यहाँ पर रहने वाली जो फिशेज भी होती हैं वो भी अंधे ही होती है वो देख नहीं पाती हैं ठीक है नेक्स्ट आता है जोन। 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 जो कि आपका 6000 मीटर की गहराई से नीचे जितना भी पार्ट है उसको जोन बोलते हैं जितना भी आगे का भाग है तो ये एकदम ट्रेंच वाले पार्ट होते हैं ओशनिक ट्रेंचेज वाले तो इस पूरे रीजन को हेडापेलिजिक जोन बोलते हैं ठीक है एक पिक्चर में से पहले मैंने आपको दी है उसको आप देखते चलना वहीं से सारे क्वेश्चन मतलब तो तो इसको आप बना पाओगे ठीक है क्लियर है बात तो ये पैलेजिक हैबिटेट होता है पेपेलोजिक मेसोपेलजिक बेथिपेलजिक एबिसोपेलजिक और हेडापेलजिक ठीक है चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो ओशन हैबिटेट में आपका इतना ही चीज है इतना ही पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं करना है ठीक है किसी को कोई समस्या तो जल्दी से आप बताइए अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो ओशन हैबिटाट भी आपका हो चुका है कंप्लीट ठीक है और ओशन हैबिटेट के साथ साथ आपकी ओशनोग्राफी भी कंप्लीट हो गई चलिए एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ किसी ने अभी मैसेज किया था एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था ठीक है क्या है क्वेश्चन असन कह रहा है कि वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन आर ऑलवेज वार्मर देन ईस्टर्न साइड तो हम मैप पे चलते हैं तो मैप पे आपको समझा देता हूँ ये है इसमें इनका असन है अचर्षन कि वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन ओशन का वेस्टर्न साइड अभी देखो ये ट्रॉपिकल एरिया को अगर हम देखें ट्रॉपिकल एरिया में होगा हाँ ये टेम्परेटर में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्नलीजोजिट तो साइड में चलती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गर्म होगा ट्रॉपिकल एरिया में वेस्टर्न साइड ओशन का ज़्यादा गर्म होता है ईस्टर्न साइड की तुलना में कारण क्या है नीचे इसमें लिखा हुआ है रीजन में मूवमेंट ऑफ मेजर ओशन करंट इज इन वेस्टर्न साइड क्योंकि जो ओशन करंट्स होती हैं ट्रेड विंड के प्रभाव में आकर के इस प्रकार से चलती हैं और सारा गर्म पानी देखिए पश्चिम की तरफ महाद्वीप का ईस्टर्न होगा लेकिन ओशन का वो वेस्टर्न है यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा इसीलिए वो ज़्यादा गर्म होता है सिंपल से Assertion और रीजन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ठीक है समझ में आ जाएगा तो मुझे बता देना क्लियर है सभी को चलो तो ये आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए अदरवाइज़ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास आपका एग्ज़ाम के बाद होगी क्योंकि एग्ज़ाम को बीच में रिवीजन की आवश्यकता है तो अब नेक्स्ट क्लास एग्ज़ाम के बाद होगी बीच बीच में मैं आपको मटेरियल देता रहूंगा ताकि आप पढ़ते रहें क्वेश्चंस तो मैंने दिए ही हैं और मैं खुद से भी सॉल्व करवाता रहूँगा ठीक है तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और जब भी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पेड ग्रुप में और सर ठीक है किसी को आज ही पता लगा है और अभी उनसे मेरी बात ही हो रही है अभी तक किसी को पता नहीं लगा है कि क्लास कहाँ है कहाँ मिलेगी इतना कैसे हो सकता है ऐसा ऐसा भी मत करो ठीक है चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच शुक्रिया